एकादशा सर्ग है। रावण का संदेश सुनकर पिता की आज्ञा से कुबेर का लंका को छोड़कर कैलाश पर जाना, लंका में रावण का राज्याभिषेक तथा राक्षसों का निवास। महर्षि अगस्त्य ने कहना आरंभ किया, राम, रावण आदि निशाचरों को वर प्राप्त हुआ है ये जानकर सुमाली नामक राक्षस अपने अनुचरों सहित भय छोड़कर रसातल से निकला। साथ ही मारीच, प्रहस्त, विरूपाक्ष और महोदर, ये उस राक्षस के चार मंत्री भी रसातल से ऊपर को उठे। वे सब के सब रोषावेश से भरे हुए थे। श्रेष्ठ राक्षसों से घिरा हुआ सुमाली अपने सचिवों के साथ दशग्रीव के पास गया और उसे छाती से लगाकर इस प्रकार बोला, वत्स, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुमने त्रिभुवन श्रेष्ठ ब्रह्मा जी से उत्तम वर प्राप्त किया, जिससे तुम्हें ये चिरकाल से चिंतित मनोरथ उपलब्ध हो गया। महाबाहो, जिसके कारण हम सब राक्षस लंका छोड़कर रसातल में चले गए थे, भगवान विष्णु से प्राप्त होने वाला हमारा वो महान भय दूर हो गया। हम सब लोग बारंबार भगवान विष्णु के भय से पीड़ित होने के कारण अपना घर छोड़कर भाग निकले और सब के सब एक साथ ही रसातल में प्रविष्ट हो गए। ये लंका नगरी, जिसमें तुम्हारे बुद्धिमान भाई धनाध्यक्ष कुबेर निवास करते हैं, हम लोगों की है। पहले इसमें राक्षस ही रहा करते थे। निष्पाप महाबाहु, यदि साम, दान अथवा बल प्रयोग के द्वारा भी पुनः लंका को वापस लिया जा सके तो हम लोगों का काम बन जाए। तात, तुम ही लंका के स्वामी होगे, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि तुमने इस राक्षस वंश का जो रसातल में डूब गया था उद्धार किया है। महाबली वीर, तुम ही हम सबके राजा होगे। ये सुनकर दशग्रीव ने पास खड़े हुए अपने माता मह से कहा, नाना जी, धनाध्यक्ष कुबेर हमारे बड़े भाई हैं, अतः उनके संबंध में आपको मुझसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। उस श्रेष्ठ राक्षस राज के द्वारा शांत भाव से ही ऐसा कोरा उत्तर पाकर सुमाली समझ गया कि रावण क्या करना चाहता है, इसलिए वो राक्षस चुप हो गया, फिर कुछ कहने का साहस ना कर सका। तदनंतर कुछ काल व्यतीत होने पर अपने स्थान पर निवास करते हुए दशग्रीव रावण से, जो सुमाली को पहले ये उत्तर दे चुका था, निशाचर प्रहस्त ने विनय पूर्वक ये युक्ति युक्त बात कही। महाबाहु दशग्रीव, आपने अपने नाना से जो कुछ कहा है वैसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वीरों में इस तरह भ्रातृभाव का निर्वाह होता नहीं देखा जाता। आप मेरी ये बात सुनिए, आदिति और दिति दोनों सगी बहने हैं, वे दोनों ही प्रजापति कश्यप की परम सुंदरी पत्नियां हैं। आदिति ने देवताओं को जन्म दिया है जो इस समय त्रिभुवन के स्वामी हैं, और दिति ने दैत्यों को उत्पन्न किया है। देवता और दैत्य दोनों ही महर्षि कश्यप के औरस पुत्र हैं। धर्मज्ञ वीर, पहले पर्वत, वन और समुद्रों सहित ये सारी पृथ्वी दैत्यों के ही अधिकार में थी, क्योंकि वे बड़े प्रभावशाली थे, किंतु सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने युद्ध में दैत्यों को मारकर त्रिलोकी का ये अक्षय राज्य देवताओं के अधिकार में दे दिया। इस तरह का विपरीत आचरण केवल आप ही नहीं करेंगे, देवताओं और असुरों ने भी पहले इस नीति से काम लिया है, अतः आप मेरी बात मान लें। प्रहस्त के ऐसा कहने पर दशग्रीव का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने दो घड़ी तक सोच विचार कर कहा, बहुत अच्छा, तुम जैसा कहते हो वैसा ही करूंगा। तदनंतर उसी दिन उसी हर्ष के साथ पराक्रमी दशग्रीव उन निशाचरों को साथ ले लंका के निकटवर्ती वन में गया। उस समय त्रिकूट पर्वत पर जाकर निशाचर दशग्रीव ठहर गया और बातचीत करने में कुशल प्रहस्त को उसने दूत बनाकर भेजा। वो बोला, प्रहस्त, तुम शीघ्र जाओ और मेरे कथनानुसार धन के स्वामी राक्षस राज कुबेर से शांति पूर्वक ये बात कहो, राजन, ये लंकापुरी महामना राक्षसों की है, जिसमें आप निवास कर रहे हैं। सौम्य, निष्पाप यक्षराज, ये आपके लिए उचित नहीं है। अतुल पराक्रमी धनेश्वर, यदि आप हमें ये लंकापुरी लौटा दें तो इससे हमें बड़ी प्रसन्नता होगी और आपके द्वारा धर्म का पालन हुआ समझा जाएगा। तब प्रहस्त कुबेर के द्वारा सुरक्षित लंकापुरी में गया और उन वित्तपाल से बड़ी उदारता पूर्ण वाणी में बोला,
उत्तम व्रत का पालन करने वाले संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ सर्व शास्त्र विशारद महाबाहु महाप्राज्ञ धनेश्वर आपके भाई दशग्रीव ने मुझे आपके पास भेजा है। दशमुख रावण आपसे जो कुछ कहना चाहते हैं वो बता रहा हूं, आप मेरी बात सुनिए। विशाल लोचन वैश्रवण, ये रमणीय लंकापुरी पहले भयानक पराक्रमी सुमाली आदि राक्षसों के अधिकार में रही है। उन्होंने बहुत समय तक इसका उपभोग किया है, अतः वे दशग्रीव इस समय ये सूचित कर रहे हैं कि ये लंका जिनकी वस्तु है उन्हें लौटा दी जाए। तात, शांति पूर्वक याचना करने वाले दशग्रीव को आप ये पुरी लौटा दें। प्रहस्त के मुख से ये बात सुनकर वाणी का मर्म समझने वालों में श्रेष्ठ भगवान वैश्रवण ने प्रहस्त को इस प्रकार उत्तर दिया, राक्षस, ये लंका पहले निशाचरों से सूनी थी। उस समय पिताजी ने मुझे इसमें रहने की आज्ञा दी और मैंने इसमें दान मान आदि गुणों द्वारा प्रजाजनों को बसाया। दूत, तुम जाकर दशग्रीव से कहो, महाबाहु, ये पुरी तथा ये निष्कंटक राज्य जो कुछ भी मेरे पास है वो सब तुम्हारा भी है, तुम इसका उपभोग करो। मेरा राज्य तथा सारा धन तुमसे बंटा हुआ नहीं है। ऐसा कहकर धनाध्यक्ष कुबेर अपने पिता विश्रवा मुनि के पास चले गए। वहां पिता को प्रणाम करके उन्होंने रावण की जो इच्छा थी उसे इस प्रकार बताया, तात, आज दशग्रीव ने मेरे पास दूत भेजा और कहलाया है कि इस लंका नगरी में पहले राक्षस रहा करते थे, अतः इसे राक्षसों को लौटा दीजिए। सुव्रत, अब मुझे इस विषय में क्या करना चाहिए, बताने की कृपा करें। उनके ऐसा कहने पर ब्रह्मर्षि मुनिवर विश्रवा हाथ जोड़कर खड़े हुए धनद कुबेर से बोले, बेटा मेरी बात सुनो, महाबाहु दशग्रीव ने मेरे निकट भी ये बात कही थी, इसके लिए मैंने उस दुर्बुद्धि को बहुत फटकारा, डांट बताई और बारंबार क्रोध पूर्वक कहा कि ऐसा करने से तेरा पतन हो जाएगा, किंतु उसका कुछ फल नहीं हुआ। बेटा, अब तुम ही मेरे धर्मानुकूल एवं कल्याणकारी वचन को ध्यान देकर सुनो। रावण की बुद्धि बहुत ही खोटी है, वो वर पाकर मदमत्त हो उठा है, विवेक खो बैठा है, मेरे शाप के कारण भी उसकी प्रकृति क्रूर हो गई है। इसलिए महाबाहु, अब तुम अनुचरों सहित लंका छोड़कर कैलाश पर्वत पर चले जाओ और अपने रहने के लिए वहीं दूसरा नगर बसाओ। वहां नदियों में श्रेष्ठ रमणीय मंदाकिनी नदी बहती है, जिसका जल सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले सुवर्णमय कमलों, कुमुदों, उत्पलों और दूसरे दूसरे सुगंधित कुसुमों से आच्छादित है। उस पर्वत पर देवता, गंधर्व, अप्सरा, नाग और किन्नर आदि दिव्य प्राणी, जिन्हें स्वभाव से ही घूमना फिरना अधिक प्रिय है, सदा रहते हुए निरंतर आनंद का अनुभव करते हैं। धनद, इस राक्षस के साथ तुम्हारा वैर करना उचित नहीं है। तुम तो जानते ही हो किसने ब्रह्मा जी से कैसा उत्कृष्ट वर प्राप्त किया है। मुनि के ऐसा कहने पर कुबेर ने पिता का मान रखते हुए उनकी बात मान ली और स्त्री, पुत्र, मंत्री, वाहन तथा धन लेकर वे लंका से कैलाश को चले गए। तदनंतर प्रहस्त प्रसन्न होकर मंत्री और भाइयों के साथ बैठे हुए महामना दशग्रीव के पास जाकर बोला, लंका नगरी खाली हो गई, कुबेर उसे छोड़कर चले गए, अब आप हम लोगों के साथ उसमें प्रवेश करके अपने धर्म का पालन कीजिए। प्रहस्त के ऐसा कहने पर महाबली दशग्रीव ने अपनी सेना, अनुचर तथा भाइयों सहित कुबेर द्वारा त्यागी हुई लंकापुरी में प्रवेश किया। उस नगरी में सुंदर विभाग पूर्वक बड़ी बड़ी सड़कें बनी थीं, जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग के सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे, उसी प्रकार देवद्रोही रावण ने लंका में पदार्पण किया। उस समय निशाचरों ने दशमुख रावण का राज्याभिषेक किया, फिर रावण ने उस पुरी को बसाया। देखते देखते समूची लंकापुरी नील मेघ के समान वर्ण वाले राक्षसों से पूर्णतः भर गई। धन के स्वामी कुबेर ने पिता की आज्ञा को आदर देकर चंद्रमा के समान निर्मल कांति वाले कैलाश पर्वत पर शोभाशाली श्रेष्ठ भवनों से विभूषित अलकापुरी बसाई, ठीक वैसे ही जैसे देवराज इंद्र ने स्वर्ग लोक में अमरावतीपुरी बसाई थी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 11वां सर्ग पूरा हुआ। द्वादशा सर्ग है शूर्पणखा तथा रावण आदि तीनों भाइयों का विवाह और मेघनाद का जन्म। अगस्त्य जी कहते हैं, श्री राम,
अपना अभिषेक हो जाने पर जब राक्षस राज रावण भाइयों सहित लंकापुरी में रहने लगा, तब उसे अपनी बहन राक्षसी शूर्पणखा के विवाह की चिंता हुई। उस राक्षस ने दानवराज विद्युंजीव को, जो कालका का पुत्र था, अपनी बहन शूर्पणखा ब्याह दी। श्री राम बहन का ब्याह करके राक्षस रावण एक दिन स्वयं शिकार खेलने के लिए वन में घूम रहा था। वहां उसने दिति के पुत्र मय को देखा। उसके साथ एक सुंदरी कन्या भी थी। उसे देखकर निशाचर दशग्रीव ने पूछा, आप कौन हैं जो मनुष्यों और पशुओं से रहित इस सूने वन में अकेले घूम रहे हैं? इस मृगनयनी कन्या के साथ आप यहां किस उद्देश्य से निवास करते हैं? श्री राम, इस प्रकार पूछने वाले उस निशाचर से मैं बोला, सुनो, मैं अपना सारा वृत्तांत तुम्हें यथार्थ रूप से बता रहा हूं। तात, तुमने पहले कभी सुना होगा, स्वर्ग में हेमा नाम से प्रसिद्ध एक अप्सरा रहती है। उसे देवताओं ने उसी प्रकार मुझे अर्पित कर दिया था जैसे पुलोम दानव की कन्या शची देवराज इंद्र को दी गई थी। मैं उसी में आसक्त होकर 1,000 वर्षों तक उसके साथ रहा हूं। एक दिन वो देवताओं के कार्य से स्वर्ग लोक को चली गई। तब से 14 वर्ष बीत गए। मैंने उस हेमा के लिए माया से एक नगर का निर्माण किया था, जो संपूर्णतः सोने का बना है। हीरे और नीलम के संयोग से वो विचित्र शोभा धारण करता है। उसी में मैं अब तक उसके वियोग से अत्यंत दुखी एवं दीन होकर रहता था। उसी नगर से इस कन्या को साथ लेकर मैं वन में आया हूं। राजन, ये मेरी पुत्री है, जो हेमा के गर्भ में ही पली है और उससे उत्पन्न होकर मेरे द्वारा पालित हो बड़ी हुई है। इसके साथ मैं इसके योग्य पति की खोज करने के लिए आया हूं। मान की अभिलाषा रखने वाले प्रायः सभी लोगों के लिए कन्या का पिता होना कष्टकारक होता है। कन्या सदा 2 कुलों को संशय में डाले रहती है। तात, मेरी इस भार्या हेमा के गर्भ से 2 पुत्र भी हुए हैं, जिनमें प्रथम पुत्र का नाम मायावी और दूसरे का नाम दुंदुभी है। तात, तुमने पूछा था, इसलिए मैंने इस तरह अपनी सारी बातें तुम्हें यथार्थ रूप से बता दी। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम कौन हो, यह मुझे किस तरह ज्ञात हो सकेगा? मयासुर के इस प्रकार कहने पर राक्षस रावण विनीत भाव से यूं बोला, मैं पुलत्स्य के पुत्र विश्रवा का बेटा हूं। मेरा नाम दशग्रीव है। मैं जिन विश्रवा मुनि से उत्पन्न हुआ हूं, वे ब्रह्मा जी से 3री पीढ़ी में पैदा हुए हैं। श्री राम, राक्षस राज के ऐसा कहने पर दानवमय महर्षि विश्रवा के उस पुत्र का परिचय पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसके साथ वहां उसने अपनी पुत्री का विवाह कर देने की इच्छा की। इसके बाद दैत्यराज मय अपनी बेटी का हाथ रावण के हाथ में देकर हंसता हुआ उस राक्षस राज से इस प्रकार बोला, राजन, ये मेरी बेटी है, जिसे हेमा अप्सरा ने अपने गर्भ में धारण किया था। इसका नाम मंदोदरी है। इसे तुम अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। श्री राम, तब दशग्रीव ने बहुत अच्छा कहकर मयासुर की बात मान ली। फिर वहां उसने अग्नि को प्रज्वलित करके मंदोदरी का पाणी ग्रहण किया। रघुनंदन, यद्यपि तपोधन विश्रवा से रावण को जो क्रूर प्रकृति होने का शाप मिला था, उसे मयासुर जानता था, तथापि रावण को ब्रह्मा जी के कुल का बालक समझकर उसने उसको अपनी कन्या दे दी। साथ ही उत्कृष्ट तपस्या से प्राप्त हुई एक परम अद्भुत अमोघ शक्ति भी प्रदान की, जिसके द्वारा रावण ने लक्ष्मण को घायल किया था। इस प्रकार दार परिग्रह करके प्रभावशाली लंकेश्वर रावण लंकापुरी में गया और अपने दोनों भाइयों के लिए भी 2 भार्याएं उनका विवाह कराकर ले आया। विरोचन कुमार बलि की दौहित्री को, जिसका नाम वज्रज्वाला था, रावण ने कुंभकर्ण की पत्नी बनाया। गंधर्वराज महात्मा शैलूष की कन्या शर्मा को, जो धर्म के तत्व को जानने वाली थी, विभीषण ने अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त किया। वो मानसरोवर के तट पर उत्पन्न हुई थी। जब उसका जन्म हुआ, उस समय वर्षा ऋतु का आगमन होने से मानसरोवर बढ़ने लगा। तब उस कन्या की माता ने पुत्री के स्नेह से करुण क्रंदन करते हुए उस सरोवर से कहा, सरो मा वर्धयस्व, अर्थात हे सरोवर, तुम अपने जल को बढ़ने ना दो।
उसने घबराहट में सरह माँ ऐसा कहा था, इसलिए उस कन्या का नाम सरमा हो गया। इस प्रकार वे तीनों राक्षस विवाहित होकर अपनी अपनी स्त्री को साथ ले नंदन वन में विहार करने वाले गंधर्वों के साथ लंका में सुखपूर्वक रमण करने लगे। तदनंतर कुछ काल के बाद मंदोदरी ने अपने पुत्र मेघनाद को जन्म दिया, जिसे आप लोग इंद्रजीत के नाम से पुकारते थे। पूर्व काल में उस रावण पुत्र ने पैदा होते ही रोते रोते मेघ के समान गंभीर नाद किया था। रघुनंदन, उस मेघ तुल्य नाद से सारी लंका जड़वत स्तब्ध रह गई थी, इसलिए पिता रावण ने स्वयं ही उसका नाम मेघनाद रखा। श्री राम, उस समय वो रावण कुमार रावण के सुंदर अंतःपुर में माता पिता को महान हर्ष प्रदान करता हुआ श्रेष्ठ नारियों से सुरक्षित हो काष्ठ से आच्छादित हुई अग्नि के समान बढ़ने लगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 12वां सर्ग पूरा हुआ। त्रयोदशः सर्गः। रावण द्वारा बनवाए गए शयनागार में कुंभकर्ण का सोना, रावण का अत्याचार, कुबेर का दूत भेजकर उसे समझाना तथा कुपित हुए रावण का उस दूत को मार डालना। अगस्त्य जी कहते हैं, रघुनंदन, तदनंतर कुछ काल बीतने पर लोकेश्वर ब्रह्मा जी की भेजी हुई निद्रा जम्भाई आदि के रूप में मूर्तिमती हो कुंभकर्ण के भीतर तीव्र वेग से प्रकट हुई। तब कुंभकर्ण ने पास ही बैठे हुए अपने भाई रावण से कहा, राजन, मुझे नींद सता रही है, अतः मेरे लिए शयन करने के योग्य घर बनवा दें। ये सुनकर राक्षस राज ने विश्वकर्मा के समान सुयोग्य शिल्पियों को घर बनाने के लिए आज्ञा दे दी। उन शिल्पियों ने 2 योजन लंबा और 1 योजन चौड़ा चिकना घर बनाया, जो देखने ही योग्य था। उसमें किसी प्रकार की बाधा का अनुभव नहीं होता था। उसमें सर्वत्र स्फटिक मणि एवं सुवर्ण के बने हुए खंभे लगे थे, जो उस भवन की शोभा बढ़ा रहे थे। उसमें नीलम की सीढ़ियां बनी थी, सब ओर घुंघरूदार झालरें लगाई गई थी। उसका सदर फाटक हाथी दांत का बना हुआ था और हीरे तथा स्फटिक मणि की वेदी एवं चबूतरे शोभा दे रहे थे। वो भवन सब प्रकार से सुखद एवं मनोहर था, मेरु की पुण्यमयी गुफा के समान सदा सर्वत्र सुख प्रदान करने वाला था। राक्षस राज रावण ने कुंभकर्ण के लिए ऐसा सुंदर एवं सुविधाजनक शयनागार बनवाया। महाबली कुंभकर्ण उस घर में जाकर निद्रा के वशीभूत हो कई हजार वर्षों तक सोता रहा, जाग नहीं पाता था। जब कुंभकर्ण निद्रा से अभिभूत होकर सो गया, तब दशमुख रावण उच्छृंखल हो देवताओं, ऋषियों, यक्षों और गंधर्वों के समूहों को मारने तथा पीड़ा देने लगा। देवताओं के नंदनवन आदि जो विचित्र उद्यान थे, उनमें जाकर दशानन अत्यंत कुपित हो उन सबको उजाड़ देता था। वो राक्षस नदी में हाथी की भांति क्रीड़ा करता हुआ उसकी धाराओं को छिन्न भिन्न कर देता था, वृक्षों को वायु की भांति झकझोरता हुआ उखाड़ फेंकता था और पर्वतों को इंद्र के हाथ से छूटे हुए वज्र की भांति तोड़ फोड़ डालता था। दशग्रीव के इस निरंकुश बर्ताव का समाचार पाकर धन के स्वामी धर्मज्ञ कुबेर ने अपने कुल के अनुरूप आचार व्यवहार का विचार करके उत्तम भ्रातृ प्रेम का परिचय देने के लिए लंका में एक दूत भेजा। उनका उद्देश्य यह था कि मैं रावण को उसके हित की बात बताकर राह पर लाऊं। वो दूत लंकापुरी में जाकर पहले विभीषण से मिला। विभीषण ने धर्म के अनुसार उसका सत्कार किया और लंका में आने का कारण पूछा। फिर बंधु बांधवों का कुशल समाचार पूछकर विभीषण ने उस दूत को ले जाकर राजसभा में बैठे हुए रावण से मिलाया। राजा रावण सभा में अपने तेज से उद्दीप्त हो रहा था। उसे देखकर दूत ने महाराज की जय हो ऐसा कहकर वाणी द्वारा उसका सत्कार किया और फिर वो कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा। तत्पश्चात उत्तम बिछौने से सुशोभित एक श्रेष्ठ पलंग पर बैठे हुए दशग्रीव से उस दूत ने इस प्रकार कहा, वीर महाराज, आपके भाई धनाध्यक्ष कुबेर ने आपके पास जो संदेश भेजा है वो माता पिता दोनों के कुल तथा सदाचार के अनुरूप है। मैं उसे पूर्ण रूप से आपको बता रहा हूं, सुनिए। दशग्रीव,
तुमने अब तक जो कुछ कुकृत्य किया है इतना ही बहुत है। अब तो तुम्हें भली भांति सदाचार का संग्रह करना चाहिए। यदि हो सके तो धर्म के मार्ग पर स्थित रहो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुमने नंदनवन को उजाड़ दिया, ये मैंने अपनी आंखों देखा है। तुम्हारे द्वारा बहुत से ऋषियों का वध हुआ है, ये भी मेरे सुनने में आया है। राजन, मैंने सुना है कि तुम्हारे विरुद्ध देवताओं का उद्योग आरंभ हो गया है। राक्षस राज, तुमने कई बार मेरा तिरस्कार किया है, तथापि यदि बालक अपराध कर दे तो भी अपने बंधु बांधवों को तो उसकी रक्षा करनी ही चाहिए। मैं शौच संतोष आदि नियमों के पालन और इंद्रिय संयम पूर्वक रौद्र व्रत का आश्रय ले धर्म का अनुष्ठान करने के लिए हिमालय के एक शिखर पर गया था। वहां मुझे उमा सहित भगवान महादेव जी का दर्शन हुआ। महाराज, उस समय मैंने केवल ये जानने के लिए कि देखूं ये कौन है, दैववश देवी पार्वती पर अपनी बाई दृष्टि डाली थी। निश्चय ही मैंने दूसरे किसी हेतु से उनकी ओर नहीं देखा था। उस वेला में देवी रुद्राणी अनुपम रूप धारण करके वहां खड़ी थी। देवी के दिव्य प्रभाव से उस समय मेरी बाई आंख जल गई और दूसरी भी धूल से भरी हुई पिंगल वर्ण की हो गई। तदनंतर मैंने पर्वत के दूसरे विस्तृत तट पर जाकर 800 वर्षों तक मौन भाव से उस महान व्रत को धारण किया। उस नियम के समाप्त होने पर भगवान महेश्वर देव ने मुझे दर्शन दिया और प्रसन्न मन से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले धर्मज्ञ धनेश्वर, मैं तुम्हारी इस तपस्या से बहुत संतुष्ट हूं। एक तो मैंने इस व्रत का आचरण किया है और दूसरे तुमने। तीसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो ऐसे कठोर व्रत का पालन कर सके। इस अत्यंत दुष्कर व्रत को पूर्व काल में मैंने ही प्रकट किया था, अतः सौम्य धनेश्वर, अब तुम मेरे साथ मित्रता का संबंध स्थापित करो। ये संबंध तुम्हें पसंद आना चाहिए। अनघ, तुमने अपने तप से मुझे जीत लिया है, अतः मेरा मित्र बनकर रहो। देवी पार्वती के रूप पर दृष्टिपात करने से देवी के प्रभाव से जो तुम्हारा बायां नेत्र जल गया और दूसरा नेत्र भी पिंगल वर्ण का हो गया, इससे सदा स्थिर रहने वाला तुम्हारा एकाक्ष पिंगली ये नाम चिरस्थाई होगा। इस प्रकार भगवान शंकर के साथ मैत्री स्थापित करके उनकी आज्ञा लेकर जब मैं घर लौटा हूँ, तब मैंने तुम्हारे पाप पूर्ण निश्चय की बात सुनी है। अतः अब तुम अपने कुल में कलंक लगाने वाले पाप कर्म के संसर्ग से दूर हट जाओ, क्योंकि ऋषि समुदाय सहित देवता तुम्हारे वध का उपाय सोच रहे हैं। दूत के मुंह से ऐसी बात सुनकर दशग्रीव रावण के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वो हाथ मलता हुआ दांत पीस कर बोला, दूत, तू जो कुछ कह रहा है उसका अभिप्राय मैंने समझ लिया। अब तो ना तू जीवित रह सकता है और ना वो भाई ही जिसने तुझे यहां भेजा है। धन रक्षक कुबेर ने जो संदेश दिया है वो मेरे लिए हितकर नहीं है। वो मूढ़ मुझे महादेव जी के साथ अपनी मित्रता की कथा सुना रहा है। दूत, तूने जो बात यहां कही है ये मेरे लिए सहन करने योग्य नहीं है। कुबेर मेरे बड़े भाई हैं, अतः उनका वध करना उचित नहीं है, ऐसा समझकर ही मैंने आज तक उन्हें क्षमा किया है। किंतु इस समय उनकी बात सुनकर मैंने यह निश्चय किया है कि मैं अपने बाहुबल का भरोसा करके तीनों लोकों को जीतूंगा। इसी मुहूर्त में मैं एक के ही अपराध से उन चारों लोकपालों को यमलोक पहुंचाऊंगा। ऐसा कहकर लंकेश रावण ने तलवार से उस दूत के दो टुकड़े कर डाले और उसकी लाश उसने दुरात्मा राक्षसों को खाने के लिए दे दी। तत्पश्चात रावण स्वस्ति वाचन करके रथ पर चढ़ा और तीनों लोकों पर विजय पाने की इच्छा से उस स्थान पर गया जहां धनपति कुबेर रहते थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 13वां सर्ग पूरा हुआ।